हमारे पास स्टूडेंट की क्लास में एक पॉइंटर भी मौजूद है और वो पॉइंटर है कैरेक्टर पॉइंटर जिसका नाम है नेम। कैरेक्टर पॉइंटर नेम की वैल्यू को सेट करने के लिए हमें यहाँ पे इसको कोई ना कोई कैरेक्टर पॉइंटर पास करना पड़ेगा, बट उसको पास करने के लिए आपको एक ख़ास ख्याल रखना है। और वो ख़ास ख्याल रखने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम पॉइंटर को आम तरीके से सेट करवाएं। उसके लिए मेन में आते हैं और मेन में आके सबसे पहले जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत कुछ उस सब को डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक कैरेक्टर अरे बनाते हैं। लेट से इसका नाम यहाँ पे हम माय नेम रखना चाहेंगे और लेट से कि इस वक्त मैं इसको नॉन डायनेमिकली एलोकेट करवाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर मैं एक वैल्यू रखवा देता हूँ जो कि है मोहसिन अब्बास, और मैं यहाँ पे सेटर एक बनाना चाहूँगा अब नेम का। और उसके लिए मुझे यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। लेट से आज जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ उसका नाम मैं रख रहा हूँ ओबीजे। ओबीजे के थ्रू मैं यहाँ पे सेट नेम कॉल करूँगा और जब मैं सेट नेम कॉल करूँगा तो उसके बाद मुझे यहाँ पे एक माई नेम पास करवाना होगा क्योंकि सेटर एक पैरामीटर एज एन इनपुट लेता है। इस वक्त मुझे ये एरर इसलिए मौसूल हुआ है क्योंकि सेट नेम नाम का कोई फंक्शन मैंने बनाया नहीं हुआ। तो लेट्स गो इन माई क्लास विच इज़ दिस वन, और यहाँ पे हम सेटर ऑफ नेम बनाते हैं जिसकी मैंने प्रोटोटाइप ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है विच इज़ कमेंटेड ओवर हेयर। इस वक्त अगर मैं इसकी डेफिनेशन करना चाहूँ तो उसकी डेफिनेशन होगी कुछ इस तरह। कमेंट्स रिमूव कीजिए, सेमी कॉलन यहाँ से रिमूव कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ सेट नेम ओवर हेयर। जिस तरह ऊपर वाले फंक्शन के अंदर हमने सी जी पी ए इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, इसी तरह मैं लेट से यहाँ पे कोई एक इनपुट एन ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम इज़ इक्वल टू एन। नेम इज़ इक्वल टू एन करने का मतलब ये है कि जो भी इनपुट यहाँ पे आ रही है मैं नेम को उसके इक्वल करना चाह रहा हूँ। अब मैं ये देखना चाहूँगा कि ये सेटर बनाने के बाद क्या मैं इस वैल्यू को गेट भी कर सकता हूँ, और उसके लिए व्हाट आई नीड टू डू ओवर हेयर इज़ आई नीड टू डू सी आउट, और सी आउट के थ्रू मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा ओबीजे डॉट गेट नेम। ओबीजे डॉट गेट नेम करने के बाद लेट सी व्हाट द आउटपुट इज़। आई एम गोइंग टू रन द प्रोग्राम नाउ कंट्रोल F5 करने से एंड यू वुड सी दैट द आउटपुट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड एज एक्सपेक्टेड द आउटपुट दैट यू गेट इन दिस केस इज़ मोहसिन अब्बास। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसा लग रहा होगा कि ये जो कुछ भी हमने किया है दैट इज़ परफेक्टली फाइन। हाउ एवर दैट इज़ नॉट द केस। वाई इज़ दैट नॉट अ केस? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे माई नेम के किसी भी एक इंडेक्स को चेंज करूँ तो उसका अफेक्ट आपको यहाँ पे ओ बी जे में भी नज़र आएगा। मैं इसको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी कि मेरा कहने का मतलब क्या है। देखिए, मैंने ओ बी जे के अंदर नाम जाके सेट कर दिया और ओ बी जे के अंदर जो नाम जाके सेट होना चाहिए दैट शुड बी मोहसिन अब्बास, यानी कि दिस वैल्यू ओवर हेयर। लेट मी जस्ट कमेंट इट ओवर हेयर के व्हाट आई मीन टू से कि मोहसिन अब्बास शुड बी सेट इन नेम, दैट इज़ व्हाट आई मीन ओवर हेयर। बट अब मैं करने ये लगाऊँ कि मैं ओ बी जे का नेम गेट करने से पहले आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ माई नेम। मैं यहाँ पे माई नेम के लेट से जीरो थ इंडेक्स के ऊपर जाके रखवा देता हूँ एक वैल्यू विच इज सपोजिडली एक्स। अब होना क्या चाहिए, ओ बी जे डॉट गेट नेम करने से असूलन आपको आउटपुट मिलनी चाहिए मोहसिन अब्बास बिकॉज दैट इज वट इज स्टोर्ड इन ओ बी जे का नेम। हाउ एवर इफ आई रन माई प्रोग्राम फ्रॉम हेयर एंड सी द आउटपुट, द आउटपुट दैट यू गेट इज एक्स ओ एच एस आई एन अब्बास। हुआ क्या है, आपने चेंज यहाँ पे किया है माई नेम में और उसका अफेक्ट हुआ है ओ बी जे के नेम पे। दैट इज़ वाई जो आपने यहाँ पे सेटर लिखा है नेम का दैट इज इनकरेक्ट। दिस इज बाय द वे एन इनकरेक्ट वे ऑफ राइटिंग द सेटर ऑफ अ पॉइंटर। अब हम ये देखना चाहेंगे कि बैक एंड पे हुआ क्या है। उसके लिए आई विल हैव टू ओपन पेंट ओवर हेयर एंड लेट सी वन बाय वन
कि व्हाट इज हैपनिंग अगेंस्ट ईच ऑफ द लाइन. तो पहले हम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पे ये जो माई नेम वाली लाइन है विच इज़ दिस वन कैरेक्टर माई नेम 20, इसके अगेंस्ट देखते हैं कि हुआ क्या है. तो लेट्स गो टू आर पेंट और पेंट के ऊपर यहाँ पे हम ये देखना चाहेंगे कि व्हाट्स हैपनिंग. माई नेम याद रखिए मेन के अंदर है, तो ये मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से माई नेम बना ली है और अगेन माई नेम इज़ इन मेन प्रोग्राम. हम यहाँ पे इसके 20 इंडिसीज तो नहीं बनाएंगे, जितने रिक्वायर्ड हैं वो बना लेते हैं. उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 करके अप टिल इंडेक्स नंबर 19 तक चले जाते हैं. इंडेक्स नंबर 20 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक इंडिसीज यहाँ पे लिख लेते हैं. उसके बाद डॉट 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 एंड इट्स गोइंग अप टिल इंडेक्स नंबर 19, जिसका मतलब है कि टोटल साइज़ मेरे पास हो गया 20. अब इसके अंदर जो मैंने वैल्यू सेव की हुई है दैट इज़ एम ओ एच एस आई एन, उसके बाद एक स्पेस यहाँ पे मैंने एंटर किया हुआ है एंड देन आई हैव एंटर्ड ए बी बी एंड सो ऑन, दैट इज़ व्हाट आई हैव डन ओवर हियर. तो सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि मैंने जो यहाँ पे अगली लाइन लिखी है उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है. स्टूडेंट ओ बी जे, स्टूडेंट ओ बी जे का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम जाके दोबारा अपने पेंट के ऊपर. स्टूडेंट ओ बी जे मीन्स कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है ओ बी जे. और ऑफ कोर्स जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इस ऑब्जेक्ट में आपने जितने भी एट्रीब्यूट्स बनाए हैं वो आपको यहाँ पे मेमोरी मैप पे दिखाने पड़ेंगे. क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक एज है, मेरे पास यहाँ पे एक सी जी पी ए है, तो मैंने यहाँ पे एज और सी जी पी ए शो कर दिए. दोनों में अभी जंक वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और यहाँ पे मुझे एक पॉइंटर भी मिला है नेम का. नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन द नेक्स्ट लाइन. मैंने यहाँ पे ओ बी जे डॉट सेट नेम और सेट नेम के अंदर मैंने माई नेम पास किया हुआ है. ओ बी जे डॉट सेट नेम का मतलब यह है कि ओ बी जे के थ्रू सेट नेम वाला फंक्शन कॉल होगा और माई नेम इज़ बीइंग पास्ड टू दिस एन ओवर हियर. इसका मतलब है कि एन इस वक्त एग्जैक्टली उस जगह पे पॉइंट कर रहा है जहाँ पे माई नेम पॉइंट कर रहा है. लेट मी जस्ट डू इट इन माई पेंट एज वेल कि व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. इस वक्त यहाँ पे मैं ब्लू से ये दिखा देता हूँ कि मेरा जो पॉइंटर एन है दैट इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग टू द इंडेक्स ज़ीरो ऑफ माई नेम. याद रखिए जब भी अरे क्रिएट होती है तो अरे के ज़ीरोथ इंडेक्स की बेस के ऊपर सारी अरे की कैलकुलेशंस हो रही होती हैं. तो इस वक्त मेरा पॉइंटर एन एग्जैक्टली उस जगह पे पॉइंट कर रहा है जहाँ पे माई नेम पॉइंट कर रहा है. माई नेम इज़ ऑल्सो अ पॉइंटर. एक अरे में अगर आपको पॉइंटर नहीं भी नज़र आ रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरोथ इंडेक्स इज़ समथिंग जिसकी बेस के ऊपर सब कुछ कैलकुलेट हो रहा होता है. नाउ व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज़ आई हैव एक्चुअली मेड नेम इक्वल टू एन. इसका मतलब है कि नेम जो कि एक पॉइंटर है वो एन जो कि एक पॉइंटर है उसके इक्वल हो गया है. लेट्स गो टू आर पेंट एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. ओपन द पेंट एंड लेट्स सी. यहाँ पे अब नेम इज इक्वल टू एन करने का मतलब ये है कि नेम का पॉइंटर एग्जैक्टली उस जगह पे पॉइंट करना शुरू कर देगा जहाँ पे एन का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, यानी कि उस अरे पे जहाँ पे आपका पॉइंटर एन पॉइंट कर रहा है. उस अरे का मतलब क्या है, उन मेमोरी लोकेशंस पे जहाँ पे एन की मेमोरी लोकेशंस पड़ी हुई हैं और वो एग्जैक्टली वही मेमोरी लोकेशंस हैं जहाँ पे माय नेम पड़ा हुआ है. अब हुआ क्या है, नेम के अगेंस्ट कोई नई मेमोरी नहीं बनी और उसने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेमोरी जो कि मेन में बनी हुई थी उसको पॉइंट करना शुरू कर दिया है. लेट्स नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग इन द नेक्स्ट लाइन विच इज दिस वन. माय नेम का जीरोथ इंडेक्स बिकम्स इक्वल टू एक्स. लेट्स गो बैक टू आर पेंट. बार बार हमें ये आगे पीछे जाना पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. माई नेम का जीरोथ इंडेक्स इक्वल टू एक्स करने का मतलब ये है कि ये माई नेम के जीरोथ इंडेक्स के ऊपर जो एम पड़ा हुआ है उसको काट दो और उसकी बजाय यहाँ पे एक्स रख दो. इट वुड ओवरराइट दैट वैल्यू. तो अब आपकी इस अरे के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक्स ओ एच एस आई एन स्पेस ए डबल बी ए एस, जिसकी वजह से अब यहाँ पे अगरचे आपने नेम की वैल्यू चेंज नहीं की बट नेम के अंदर भी आपको ये चेंज नजर आएगा क्योंकि नेम और माई नेम एक ही मेमरीज को पॉइंट कर रहे हैं. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड सी व्हाट आई हैव रिटन ओवर देयर. लेट्स गो ओवर देयर एंड लेट्स सी आर नेक्स्ट लाइन ऑफ द मेन प्रोग्राम.
तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सी आउट ओबीजे डॉट गेट नेम। तो ओबीजे डॉट गेट नेम आपको ऑब्जेक्ट ओबीजे के अगेंस्ट जो भी नेम सेव्ड है वो आउटपुट करके दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा ये हुआ है गेट नेम के अंदर कि आई हैव टू एक्चुअली रिटर्न द वैल्यू ऑफ नेम। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, लेट्स गो बैक टू आर पेंट। नेम पॉइंट कर रहा है यहाँ पे इन मेमोरी लोकेशंस को, जिनको मैं अब हाईलाइट करने लगा हूँ, विच आर दीज वन। तो इसके अगेंस्ट आपको ऑफ कोर्स नेम के अगेंस्ट जो आउटपुट मिलेगी दैट वुड बी एक्स ओ एच एस आई एन, बिकॉज यू हैव चेंज द वैल्यू ऑफ माई नेम। असूलन ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए था क्योंकि माई नेम और नेम आर डिफरेंट थिंग्स। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी पॉइंटर की मेमोरी मिल जाए तो आप उस पॉइंटर की मेमोरी को चेंज कर सकते हैं और आपके प्राइवेट एट्रीब्यूट का कोई फ़ायदा ना हुआ। देखिए ये जो नेम है दिस इज़ अ प्राइवेट एट्रीब्यूट, और प्राइवेट एट्रीब्यूट के अंदर जितना भी डेटा है दैट शुड बी हिडन, दैट इज़ दी ओवरऑल आइडिया ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे केस में जो हमने काम की है वैसा हो नहीं रहा। लेट मी जस्ट मेक वन मोर चेंज टू टेल यू व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। मैं यहाँ पे लेट से माय नेम के इंडेक्स नंबर 5 को जाके चेंज कर देता हूँ, और इंडेक्स नंबर 5 की वैल्यू मैं कर देता हूँ इक्वल टू लेट से कैपिटल पी। मैंने चेंज किया माय नेम में, असूलन नेम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे चेंज नज़र आएगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैंने चेंज किया कहाँ पे है। मैंने इंडेक्स नंबर 5 के ऊपर जाके जो भी वैल्यू लिखी हुई थी उसको चेंज कर दी है, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे ब्लू कलर से चेंज करके दिखा भी दी है। अब माय नेम में क्योंकि चेंज हुआ है और मैं नेम को जब आउटपुट करूँगा तो मुझे उसके अगेंस्ट एक्स ओ एच एस आई पी स्पेस ए डबल बी ए एस नज़र आएगा। लेट्स जस्ट वेरीफाई दिस सो दैट यू गेट एन आइडिया दैट वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग ओवर हियर। लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड यू वुड सी कि आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिली है उसमें एक्स ओ एच एस आई पी मिला है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज रियली डेंजरस टू डू इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पॉइंटर्स को सेट करने के लिए ये जो मैंने काम किया है दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अब मुझे असूलन करना क्या चाहिए यहाँ पे वो देखते हैं। मुझे काम कुछ इस तरह करना चाहिए यहाँ पे कि ये जो माई नेम यहाँ पे इसको जाके पॉइंट कर रहा है दैट शुड नॉट हैपन। यानी कि व्हाट आई मीन टू से इज़ के असूलन यहाँ पे दिस इज समथिंग जो कि एक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है दैट शुड नॉट हैपन। और उसके लिए होना ये चाहिए अब कि इस माई नेम के अगेंस्ट एक नई मेमोरी क्रिएट होनी चाहिए। लेट मी डू इट इन अ वाइल, लेट मी जस्ट ड्रॉप दिस ऑफ so that you get the exact idea of what's happening over here. असूलन होना ये चाहिए कि माई नेम को एक नई मेमरी क्रिएट करनी चाहिए, जो कि अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस नई मेमरी के अंदर मुझे जो भी माई नेम की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो उठा के इस नई मेमरी में कॉपी करवानी है। ये करने के लिए मुझे सबसे पहले नेम का ये जो पॉइंटर यहाँ पे पड़ा हुआ है इसको कोई ना कोई नई मेमरी एलोकेट करवानी पड़ेगी, और नई मेमरीज डायनामिकली एलोकेट करवाने के लिए हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है विच इज़ न्यू। हम इसको कितनी मेमरी एलोकेट कराएंगे? जितनी इसको रिक्वायर्ड है। अगर जो माई नेम के 20 इंडिसीज हैं बट उसके अंदर जो एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है वो 20 से कम है, तो न्यू के थ्रू हम यहाँ पे इसको 20 साइज एलोकेट करवाने की बजाय एग्जैक्टली उतना साइज एलोकेट करवाएंगे जितना नेम के लिए रिक्वायर्ड है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमारे पास नाम बहुत छोटा है तो हमारा ऑब्जेक्ट कम मेमोरी ले रहा होगा, और अगर हमारे पास नाम बहुत बड़ा है तो हम यहाँ पे बड़े नाम भी स्टोर करवा सकेंगे जिनका साइज 20 से ज़्यादा है। लेट्स डू इट ओवर हियर सो दैट यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब गोल हमारा ये है, ओबीजे के नेम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे माय नेम में कोई चेंज कर रहा हूँ। उसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आई वुड डू ओवर हियर। ये जो काम गलत है उसको मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये रहने देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो मैंने किया वो गलत है। अब मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे नेम के अगेंस्ट नई मेमोरी एलोकेट करानी है, और क्योंकि ये एक कैरेक्टर अरे है तो मुझे यहाँ पे इसको कोई ना कोई डायनेमिकली साइज़ पास करवाना है जितने साइज़ की मैं यहाँ पर इस अरे को क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इसका साइज़ कितना होना चाहिए?
इसका साइज़ उतना होना चाहिए जितना मेरे पास यहाँ पे n का साइज़ है। मेरे पास यहाँ पे n का साइज़ इस वक्त कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू कैलकुलेट इट साइज़, और मेरे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि मुझे यहाँ पे साइज़ कैलकुलेट करके देगा, एंड दैट इज़ strlen। strlen के अंदर आप यहाँ पे अगर n पास कर दें तो इट वुड रिटर्न दी साइज़ ऑफ योर n, जो भी n का कंप्लीट साइज़ होगा। और इस वक्त क्योंकि मैंने यहाँ पे मोहसिन अब्बास पास किया हुआ है विद अ स्पेस, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो साइज़ मिलना चाहिए दैट शुड बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्पेसेस 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपको इसका साइज़ जो यहाँ पे मिलेगा दैट वुड बी 12 इन केस ऑफ एन इनपुट मोहसिन अब्बास। प्लीज़ मेक श्योर कि यहाँ पे आपको \0 जो कि एंड पे एक कैरेक्टर अरे में स्टोर्ड होता है उसका साइज़ यहाँ पे काउंट होके नहीं मिलेगा। टू सिंप्लीफाई माई एग्जाम्पल, वट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज़ आई एम गोइंग टू स्टोर अ स्मॉलर नेम इन माई नेम, यानी कि यहाँ पे मैं अली स्टोर करवाना चाहूँगा। इसको काउंट करना भी बहुत आसान है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब माई नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होनी चाहिए दैट शुड बी अली, और माई नेम के फिफ्थ इंडेक्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब इसके 0th इंडेक्स को ही चेंज करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आउटपुट आएगी दैट वुड बी XLI, अगर मैं यहाँ पे वही काम करूँ जो कि मैंने पहले किया हुआ है। अगरचे इस वक्त क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू एन नहीं किया, तो इस प्रोग्राम को रन करने से मुझे यहाँ पे XLI आउटपुट नहीं आएगी, बल्कि जो आउटपुट मिलेगी दैट वुड बी अ जंक वैल्यू जो कि इस वक्त मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पहले ये देख लेते हैं कि बैक एंड पे हो क्या रहा है। उसके लिए लेट्स गो बैक टू आर पेंट एंड लेट्स क्रिएट एन एम्प्टी फाइल ओवर हेयर। लेट्स नॉट सेव इट एंड लेट्स सी वट आई हैव डन नाउ। मैंने इस वक्त मेन के अंदर माई नेम बनाया है, उसको मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए। माई नेम जो कि मेन में बना हुआ है, ऑफ कोर्स इस वक्त भी माई नेम का साइज़ जो टोटल है दैट इज़ 20, बट यहाँ पे जो वैल्यू सेव्ड हैं दे आर लेस देन 20। यहाँ पे डॉट डॉट डाल देते हैं। दिस इज़ इंडेक्स 19, दिस इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंडेक्स तक हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको हम रेड कलर से लिख लेते हैं, ALI। याद रखिए क्योंकि ये एक सी स्ट्रिंग है तो यहाँ पे \0 भी एक पड़ा होगा। ये इंडेक्स नंबर 3 पे जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ नोन एज \0, \0, जिसको आपने इस तरह का पढ़ा होगा एक कैरेक्टर। मैंने यहाँ पे एक छोटा सी स्ट्रिंग ले लिया है ताकि मेरी एग्जांपल ज़रा सिंपलीफाई हो जाए। दोबारा आइए ज़रा अपने प्रोग्राम पे, और यहाँ पे अब देखते हैं कि अगली लाइन में हमने क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट OBJ, जिसका मतलब ये है कि पेंट के अंदर वापस आके हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक OBJ यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, उसकी मेमोरीज एक्चुअली एज यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे उसका CGPA पड़ा हुआ है OBJ का, और यहाँ पे एक पॉइंटर नेम पड़ा हुआ है। अगली लाइन पे देखते हैं कि मैंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे OBJ.setName और माई नेम किया हुआ है, जिसका मतलब है कि आई एम गोइंग टू दिस फंक्शन नाउ। अब इस फंक्शन में जाके सबसे पहले मैंने यहाँ पे n का साइज़ कैलकुलेट किया है, और अली के केस में मुझे यहाँ पे जो साइज़ मिलेगा दैट वुड बी 3। ALI इज़ एक्चुअली इक्वल टू अ साइज़ 3। फिर मैंने यहाँ पे किया है नेम इज़ इक्वल टू न्यू कैरेक्टर साइज़। इसका मतलब ये है कि पेंट के ऊपर वापस जाके हम ये देखना चाहेंगे कि वट हैव आई डन ओवर हेयर। मैंने यहाँ पे नेम के अगेंस्ट एक नई मेमोरी क्रिएट की है, और उसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। फिलहाल 3 कैरेक्टर्स मुझे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने साइज़ नेम का एग्जैक्टली उतना रखा है जितना कि इनपुट आ रही है मेरे पास, और इनपुट मेरे पास क्योंकि 3 कैरेक्टर्स की आ रही है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि मुझे यहाँ पे \0 भी स्टोर कराना है जो कि मुझे लेंथ के थ्रू नहीं मिला। उस \0 को स्टोर कराने के लिए मुझे असूलन यहाँ पे जो अरे क्रिएट करनी चाहिए दैट शुड बी ऑफ साइज़ 4, नॉट ऑफ साइज़ 3। तो इसलिए आप देखेंगे ये कि मैं अपने प्रोग्राम में जाके जो साइज़ दूंगा यहाँ पे डायनेमिक क्रिएशन का दैट वुड बी साइज़ +1। वाई इज़ दिस +1 ओवर हेयर? क्योंकि मैं यहाँ पे \0 को भी स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे साइज़ जब इक्वल टू 4 मैंने कर लिया है तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी करवाना है फ्रॉम पॉइंटर n टू
the name. लेट्स गो बैक टू आर पेंट, और सबसे पहले यहाँ पे इसका साइज़ जो हमने क्रिएट करना है दैट शुड बी 4, 4 यानी कि इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3. यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया करना, वो ये कि मेरा यहाँ पे जो पॉइंटर n है दैट इज़ अगेन पॉइंटिंग टू द इंडेक्स 0 ऑफ माई नेम वाली अरे. अब हमने n के थ्रू जो कि माई नेम के इंडिसीज को पॉइंट कर रहा है, नेम के अंदर वैल्यूज़ को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी करवाना है. फॉर डूइंग दैट लेट्स राइट अ लूप ओवर हेयर जो कि इंटीजर i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, i लेस देन साइज तक जाएगा और i प्लस प्लस कर देगा यहाँ पे. और मैंने अब करना ये है कि नेम के हर ith इंडेक्स के ऊपर जाके, यानी कि नेम के इंडेक्स नंबर 0, 1 और 2 के ऊपर जाके n के इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 की वैल्यू सेव करवानी है. इस लूप के लिखने से होगा ये कि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और लेस देन साइज़ यानी कि लेस देन 3 तक जाएगी. इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे जो i की वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी 0, 1 एंड 2. यानी कि नेम के 0th इंडेक्स में n का 0th इंडेक्स कॉपी होगा, नेम के इंडेक्स नंबर 1 में n का इंडेक्स नंबर 1 कॉपी होगा और नेम के इंडेक्स नंबर 2 में n का इंडेक्स नंबर 0 कॉपी होगा. ये करने से होगा ये कि यहाँ पे आके आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी दे वुड बी a, l एंड i. देखिए इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 को मैंने यहाँ पे कॉपी कराया है. इंडेक्स नंबर 3 यहाँ पे इसलिए नहीं कॉपी होगा क्योंकि मैंने अपना जो लूप है उसके अंदर जो वैल्यूज़ आई की ली हैं दे आर गोइंग अप टिल द वैल्यू ऑफ साइज. तो यहाँ पे अब वापस आके जो बैक स्लैश 0 है उसको भी स्टोर करा देते हैं, जिसको मुझे स्टोर कराना है इंडेक्स नंबर 3 पे. इस वक्त मेरे पास साइज़ के अंदर वैल्यू 3 पड़ी हुई है, तो नेम ऑफ साइज़ के अंदर जाके मैं स्टोर करवा देता हूँ बैक स्लैश 0. ये एक लाइन लिखने से होगा ये कि आप पेंट के ऊपर वापस जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर बैक स्लैश 0 मिलेगा. अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और अपने प्रोग्राम के अंदर देखते हैं कि अफेक्ट क्या हुआ है. मैंने यहाँ पे इस वक्त नेम के अंदर, ओबीजे के नेम के अंदर जो वैल्यू अब स्टोर कराई है दैट इज़ द सेम ऑफ माई नेम, यानी कि ए एल आई बैक स्लैश 0. अब मैंने माई नेम के 0th इंडेक्स को चेंज कर दिया है इक्वल टू एक्स. लेट सी ये यहाँ पे कर लेते हैं. माई नेम का 0th इंडेक्स एक्स करने से होगा ये कि अब आपके पास माई नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी दैट वुड बी एक्स एल आई, टोयोटा करोला का एक मॉडल. हाउएवर ये करने से आपके पास यहाँ पे नेम के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा. उसकी वजह यह है कि अब नेम की मेमोरीज फ़र्क हैं. इस प्रोग्राम को अब चलाएंगे अगर हम वापस जाके तो हम ये देखेंगे कि आपको आउटपुट जो मिलेगी यहाँ पे दैट वुड स्टिल बी अली, जो कि मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट थी. जो पहले हमने काम किया हुआ था दैट वॉज समथिंग विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड. आपने यहाँ पे एग्जैक्टली यही काम किया करना है जब आपने पॉइंटर्स को सेट करवाना है, यानी कि पॉइंटर्स को सेट करवाने के लिए यू हैव टू बी श्योर कि उन पॉइंटर्स को नई मेमोरीज एलोकेट हो रही हैं और आप पॉइंटर्स को इक्वल करवाने की बजाय मेमोरीज को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी किया करेंगे, या अगर आपके पास एक वैल्यू है उस एक वैल्यू को उठा के अपनी न्यूली क्रिएटेड मेमोरी में कॉपी करवाया करेंगे. दैट इज़ हाउ यू वुड बी वर्किंग विद पॉइंटर्स. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.